हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक भी कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक चीज, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो काइंडली एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक मुझे क्या करता है, एनर्जी देता है हर रोज अच्छा अच्छा शेयर के ऊपर वीडियो अपलोड करने के लिए। अभी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया आज आपका क्लोज हुआ है 166.10 पे। ये आज हाई गया था 169.45, लो गया था 162.90। इसका 52 वीक्स लो है 109.55 एंड 52 वीक्स हाई है 170। ओके, फिनस्टार ने इस शेयर को आपका 4 out of 5 रीडिंग दिया है, जो बहुत ही बढ़िया है और एक बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल वाला शेयर है। इसका मार्केट कैपिटल है 1,02,362 करोड़ लगभग। ओके, पीई रेशियो है 13.51, जो बहुत अच्छा है। और इस शेयर के ऊपर जीरो डेट है, मतलब एक जीरो डेट फ्री शेयर है, ठीक है। और प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 66.13, जो बहुत ही अच्छा है। और ये जो 66.13 है, इसमें कुछ भी शेयर आपका प्लेज नहीं है। तो अभी ज्यादा नहीं बात करके सीधे टेक्निकल बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट में आ जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटली मैंने आपको हर चीज मोटा मोटी लगभग बता दिया, जो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली ये शेयर बहुत ही स्ट्रांग है। तो देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पे अभी एक चार्ट ओपन हुआ है, एक डे चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आज के डेट में ए शेयर, मतलब कल के डेट में देखिए, इसका जो एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस लेवल था वो तोड़ दिया है। ये जो चार्ट है बिना इंडिकेटर वाला चार्ट है। बिना इंडिकेटर का चार्ट देखने का फायदा क्या होता है कि हम लोग को क्लियरली पता चलता है कि ट्रेंड कैसा है। तो देखिए, डे चार्ट में देखिए, यहाँ पे लो बनाया था, उसके बाद से ये अप ट्रेंड है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा वीकली चार्ट भी देख लेंगे। एक मिनट, वीकली चार्ट देखिए, यहाँ पे ये शेयर आपका 5 वीक से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 5 वीक से ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी तोड़ भी देगा। अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। तो देखिए, मंथली चार्ट यहाँ पे ये शेयर इतना तक गिरा, इसके बाद यहाँ से हर मंथ थोड़ा बहुत बढ़ने लगा है। तो सीधे हम लोग अभी क्या करेंगे, इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में चले आएंगे, तो आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो पहले हम लोग डे चार्ट से चालू करेंगे। तो अभी देखिए, ये डे चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। अभी देखिए, इंडिकेटर में 2-3 दिन पहले, मतलब आज का दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन पहले आपका यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है। और प्राइस यहाँ पे अभी आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। MACD भी यहाँ पे बाई बोल रहा है और RSI भी यहाँ पे बाई बोल रहा है। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसका वीकली चार्ट देख लेंगे, टेक्निकल लगा हुआ। देखिए, वीकली चार्ट में देखिए, यहाँ पे 3-4 हफ्ता पहले सुपर टेन ने बाई बोला है और 2 हफ्ता पहले ये शेयर आपका 100 डेज मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर दिया है। और जिस कैंडल पे सुपर टेन ने बाई बोला है, उस कैंडल पे ये शेयर आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर दिया है और RSI भी अबव 60 और MACD भी यहाँ पे भी बाई बोल रहा है वीकली चार्ट में भी। अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसका मंथली चार्ट भी देख लेंगे। ओके, तो मंथली चार्ट में देखिए, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी सुपर टेन ने बाई बोला है और शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। RSI 60 अभी तक टच नहीं किया, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी 60 का जो लेवल है वो भी टच कर लेगा। और MACD यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि MACD बाई बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से लगभग अगर करंट मार्केट प्राइस में भी आप खरीदेंगे या कोई भी खरीदेगा, तो ये शेयर आगे जाके, मतलब 2-3 महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के अंदर, मुझे जो लगता है कि ये शेयर 195 का लेवल भी जा सकता है। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ बात कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।